मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में रमज़ान के महीने में लगने वाली मार्केट के लिए जद्दोजहद शुरू हो गया है। रमज़ान में फल फ्रूट ऐसे इफ्तार के लिए लोग रोड के किनारे अपनी हाथगाड़ी लगाकर बेचते हैं, मगर इस रमज़ान में ऐसा नहीं हो रहा है। जी हां, टीएमसी के मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि रमज़ान में लगने वाले हाथगाड़ी जो फल इत्यादि बेचते हैं उन्हें मित्तल में शिफ्ट जाएगा। रमजान मार्केट के नाम से इन्हें मित्तल में जगह मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अगर मित्तल में मार्केट लगती है तो क्या मुंब्रा रेलवे स्टेशन, शिमला पार्क, तनवर नगर ऐसे कई इलाके हैं जो मित्तल से काफी दूरी पर हैं, तो क्या इन्हें भी खरीदी के लिए मित्तल जाना पड़ेगा? इतना बड़ा शहर है और मार्केट सिर्फ मित्तल में, इस बात की शहर में काफ़ी चर्चा है। लोगों का कहना है कि जो मित्तल ग्राउंड के पास हैं उनके लिए तो ठीक है, मगर जो मित्तल से काफ़ी दूरी पर हैं उनके लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात है। इस दौरान सहायक आयुक्त महेश आहिर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बताया है। रमज़ान के पवित्र सन में अभी 7 तारीख को चालू हो रहा है, तो उसके तहत मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हॉकर्स के मामले में। तो अभी ये साल हमने ऐसा तय किया कि गुलाब मार्केट जो था पहले वो मित्तल ग्राउंड में शिफ्ट किया है टेम्पररी बेस पे, मित्तल का एनओसी लेके, और उस वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, रास्ते भी फ्री है। तो हमारा ऐसा ये प्लानिंग है कि इस साल रमज़ान में भी रोड पर नहीं तो मित्तल ग्राउंड में हमने रमज़ान मार्केट खोलने का फैसला किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी मार्किंग किया है, कल तक हमारा वो काम पूरा हो जाएगा और एक ही जगह पे सब हम स्टॉल बिठाएंगे वहाँ पे। देखिए सर, जो मुंब्रा मार्केट से लेकर यहाँ शिमला पार्क तक सड़क पर उतारा तो वहाँ मित्तल में दिया, मित्तल में, यानी किसी भी तरह से रोड पे कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश रहेगी कि रोड पे कोई ऑकस ना बैठे, उतारी के लिए जो बेचने के लिए बैठे उनको भी हम वहाँ टेम्पररी बेस के लेने वाले। लोगों का कहना है कि अगर मित्तल में ही सिर्फ इफ्तार मिलेगा या और भी सामान सिर्फ मित्तल में मिलेंगे, तो जैसे और शिमला पार्क के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो वो मित्तल में उनको दूर पड़ता है, दूर पड़ता है, ये बात सही है। हमारा और भी जगह, हमारी ये भी कोशिश चालू है कि और जगह, जैसे आपने बताया कि तनवर नगर है, मित्तल है, स्टेशन का आपने बताया वहाँ की, फिर रोड पर नहीं, थोड़ा अंदर के साइड में, यानी रोड मेन रोड पे नहीं बैठने दूंगा, थोड़ा अंदर की साइड में, वहाँ पे कोशिश है हमारी। अभी मेरा वही काम चल रहा है, 4 दिन इधर ही हूँ मुंब्रा में, हाँ वो फाइनल करके ही जाऊँगा मैं। हालांकि महेश आहिर ने साफ कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि मित्तल में ही रमज़ान मार्केट लगे, मगर जब उनसे पूछा गया कि जिनका घर मित्तल से काफ़ी दूर है उनके लिए मार्केट कहाँ लगेगी, तो महेश आहिर ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि रोड पे नहीं मगर गलियों में जगह देखकर मार्केट लगवाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है कि हॉकर्स के लिए इस शहर में कहीं भी अस्थाई हॉकर्स जोन नहीं है, जिसकी वजह से हॉकर्स को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। मगर महेश आहिर ने यह भी कहा है कि जल्द ही हॉकर्स के लिए समाधान निकाला जाएगा, साथ ही रमज़ान में होने वाली ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए मुंब्रा में जितने भी रोड पर कट हैं उनमें से ज़्यादातर कट TMC द्वारा बंद किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक पर लगाम लग सके। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।